नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीचर्स समाजवादी साइकिल यात्रा। समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र बचाओ समग्र क्रांति साइकिल यात्रा जयप्रकाश नारायण के गांव जयप्रकाश नगर से शुरू हुआ। इस साइकिल यात्रा को नेता प्रतिपक्ष ने जेपी ट्रस्ट से रवाना किया। साइकिल यात्रा में सपा कार्यकर्ता एक हुजूम में काफी उत्साहित दिखे, जो केंद्र और प्रदेश सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए सपा के प्रदेश महासचिव युव जन के नेतृत्व में लखनऊ के लिए रवाना हुए। पूर्व से निर्धारित समाजवादी पार्टी का यह साइकिल यात्रा बलिया जनपद के बैरिया थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर से शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। साइकिल यात्रियों को जगह जगह स्वागत के लिए सपा कार्यकर्ता खड़े रहे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने दावा किया कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, नौजवान परेशान, किसान परेशान, देश में अघोषित इमरजेंसी के हालात है। इसीलिए जयप्रकाश के पैतृक गांव से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यह साइकिल यात्रा शुरू की गई है। समाजवादी पार्टी के इस साइकिल यात्रा को फ्लॉप बताते हुए बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का दावा है कि यह साइकिल यात्रा नहीं बल्कि सपा का राजनीतिक शव यात्रा है। मोदी के आगे साइकिल और हाथी कहीं दिखने वाली नहीं है। समाचार टू जेड के लिए बलिया से मोमजाद अहमद की रिपोर्ट। प्रदेश महासचिव समाजवादी होटल जी का शिष्य हूँ, और ये लोकतंत्र बचाओ समग्र क्रांति साइकिल यात्रा जयप्रकाश नारायण यहाँ से लेकर के और जनेश्वर चलते छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी के जन्मदिन पे जनेश्वर जी से पार्क लखनऊ तक जाएगी ये साइकिल यात्रा। यह साइकिल यात्रा समाजवादी आंदोलन के भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर लोकतंत्र बचाओ समग्र क्रांति साइकिल यात्रा नाम देकर के देश में जो विपरीत परिस्थितियाँ चल रही है, विपरीत माहौल चल रहा है, एक तरफ संघ के इशारे पर सरकार चल रही है, राज्य सरकारें लूट हत्या बलात्कार चरमोत्कर्ष पे बढ़ता जा रहा है, आप लिंचिंग जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, दलित अल्पसंख्यक पिछड़े कोशिश गरीब परेशान होते जा रहे हैं, ये उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने ये आह्वान किया है समग्र क्रांति का। और बागी बलिया की धरती से जयप्रकाश नारायण की धरती से चल करके छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी के गांव जाएंगे हम लोग। चित्तू पांडे मंगल पांडे जी के को जाकर के माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण करके वीर अब्दुल हमीद जी को माल्यार्पण करके लखनऊ जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के संदेश देंगे, बागी बलिया की धरती के नौजवान जाग चुके हैं और वो चाहते हैं कि आप एक बार फिर जयप्रकाश नारायण जी जैसे समग्र क्रांति का आह्वान करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा देश में अघोषित इमरजेंसी का माहौल पैदा हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा रही है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार समर्थन, हमारी बेटी बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, रोज बलात्कार हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। इसी को देखते हुए प्रदेश में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर ये प्रदेश के हर कोने में साइकिल यात्रा निकल रही है। आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण जिन्होंने 42 की क्रांति की अगुवाई की, जिन्होंने 74 की क्रांति की अगुवाई की, 42 की क्रांति की अगुवाई की देश आजाद हुआ, 74 की क्रांति की अगुवाई की तानाशाही सरकार इंदिरा गांधी की सरकार समाप्त हो गई, पुनः लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, स्वतंत्रता व्यक्ति को बचाने के लिए, किसानों का संप्रदायों को रोकने के लिए, बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए, बेटी बहनों माताओं की इज्जत को बचाने के लिए जयप्रकाश जी के जन्म स्थान जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में उनके जन्मदिन पर ये रैली समापन होगी और लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी आ पाते हैं। मुनाजी, किस तरह का यात्रा है और ये कहाँ तक जाएगी और इसका क्या उद्देश्य है? ये लोकतंत्र बचाओ समग्र साइकिल यात्रा जयप्रकाश नगर से जनेश्वर मिश्र पार्क तक जाएगी। कौन कौन आज समाजवादी पार्टी के नेता आए हुए थे और क्या मकसद था इस साइकिल यात्रा? पार्टी के हम लोग नेता मतलब अतरौलिया के विधायक संग्राम सिंह यादव जी के, राजपाल कश्यप राजवीर सिंह है। क्या इसका क्या उद्देश्य है?
जेपी के धरती से हम लोग अखिलेश जी के सच्चे सिपाही होने के नाते हम लोग ठान लिए हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए। क्या कहना है आपका? देखिए, ये साइकिल यात्रा और पद यात्रा नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का राजनीतिक जो है शव यात्रा था। और मान के चलिएगा कि इसके बाद मोदी और योगी के चरित्र के सामने साइकिल नहीं, साइकिल और हाथी नहीं, चरित्र टिकेगा।